आइए इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। और 2025 में युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां बैठे हैं हमारे युवा अध्यक्ष, इसलिए पार्टी ने सब सोच समझ करके युवा को अध्यक्ष बनाया, एक ऐसे युवा को अध्यक्ष बनाया है जिसमें कुछ करने की तमन्ना है। तो आप साथ देकर के अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में 2025 कान खोल करके सुन लो, फिरंगी के सभी लाल कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, चाचा भतीजा और तमाम बड़ा भाई छोटा भाई, ये चोर के चोर और मोसेरा भाई जितने लोग हो, मोसेरा भाई सब कान खोल करके सुन लो, 24 में बांग्लादेश टपाएंगे और 25 में नेपाल के बॉर्डर से भी हटाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे। बोलो भारत माता के, क्या बोलो भाई, अरे एक बार जोरदार बोलो वहां से भी, भारत माता के, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। जरा अपने मुखौटे को देखो, जहां आतंकवाद की साया में लोग जी रहे हैं, जहां अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं, लुटेरे हत्यारे आज हिंसा का वातावरण, पूरा बिहार आज बारूद के ढेर पर बैठे, बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जब जब पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात पटना बिहार आने की होती है तो यहां पर आतंकवादियों को सह दे करके हिंसा कराया जाता है। कहा ना ये 24 में ये जो बड़का भाई और छोटका भाई, ये चाचा भतीजा जो है, इनका 400 सीट आज भाजपा हमारी लाएगी और भाजपा 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट पर बिहार में हम जीतेंगे और 350 से ज़्यादा सरकार हमारी बनेगी केंद्र में और 25 में इनका पूरा तरह से दांत झड़ जाएगा, 25 में भाजपा के नेतृत्व में हमारी सरकार यहां बिहार में बनेगी। आपने कहा नीतीश कुमार जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने के लिए कल, भाई नंगा हो जाएंगे जनता के सामने, जनता, अरे जनता के सामने नंगा होना मतलब क्या होता है, जब उनका पोल खुल जाता है, इनका पोल खुल जाएगा जिन्होंने बिहार को विनाश के कागार पर बैठा, बिहार का विकास अवरुद्ध किया, इसलिए इसको नंगा करना यानी कि राजनीतिक रूप से वो जनता नंगा करेगी। ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं सर, कल ममता बनर्जी से, अरे जिससे मिले ये सो सोलो श्रृंगार कर ले, अब इनके सुंदरता पर कोई आकर्षित नहीं होगा।